हेलो एवरीवन, मैं मुकेश वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं साइंस की नेक्स्ट क्लास, जिसमें आज पढ़ेंगे मिड ब्रेन। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, जो फर्स्ट पार्ट था ब्रेन का वो हमने कवर किया था, जिसमें फोर ब्रेन को हमने कवर किया था, उसके कितने पार्ट होते हैं, कैसे कैसे होता है सिस्टम, सारा हमने वो जानकारी ली थी। दोस्तों उस वीडियो को स्किप ना करें और ब्रेन का पार्ट अच्छे से कवर करें, और हम इस वीडियो को अच्छे से कवर करवाएंगे। जो ब्रेन का पार्ट है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क होता कहां, सबसे मेन बात तो यही है। तो सबसे पहले मैंने बताया था फोर ब्रेन ये हिस्सा नहीं होता है माइंड का, ये हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा होता है। कैसे, जैसे देखो ये क्या है, यानी खोपड़ी का एक फिगर है। जो ये हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा, ये होता है फोर ब्रेन। जो यहाँ एक हिस्सा होता है ये होता है मिड ब्रेन। क्या होता है, मिड ब्रेन। और लास्ट वाला हिस्सा क्या होता है, हिंड ब्रेन। ये जो पार्ट है और यही किसका निर्माण करते हैं, ब्रेन स्टेम का, जो आगे हम जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिड ब्रेन। सबसे पहले यही पूछा जाता है मिड ब्रेन कहाँ उपस्थित या कहाँ प्रेजेंट होता है। तो कहाँ, लोकेशन क्या है इसकी, ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये दोनों भाग किसके हैं, फोर ब्रेन के हैं। और हिंड ब्रेन के मध्य में होता है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं ये कहाँ है, यहाँ फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के मध्य में होता है। फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट इससे जुड़े होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस किससे जुड़े होते हैं, मिड ब्रेन से। और हिंड ब्रेन नीचे से जुड़ा होता है, जो बीच में होता है वही क्या होता है, मिड ब्रेन। अब पूछा जाता है ब्रेन स्टेम निम्न में से किन दो पार्टों से मिलकर बना होता है, या ब्रेन के किन हिस्सों से मिलकर बना होता है। तो याद रखना हमेशा ही, नोट करके, मोस्ट इंपोर्टेंट एड्रेस पूछा जाता है ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम होता है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के मिलकर एक स्टेम का जैसा आकार बनाते हैं, उसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। ये बताया था जैसे कि ये किसका निर्माण करते हैं, ब्रेन स्टेम का निर्माण करते हैं। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ब्रेन स्टेम निम्न में से किस ब्रेन के हिस्से से मिलकर बना होता है, तो किससे होता है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा जाता है इसके फंक्शन, तो मिड ब्रेन के फंक्शन क्या है, ये जो मोटर मूवमेंट होती है ना, मोटर मूवमेंट का मतलब प्रेरक संकेत। जैसे हमें कांटा लग गया, कांटे को एकदम जो शो करेगा वो कौन सा करेगा, मिड ब्रेन। तो याद रखना जो प्रेरक संकेतों को क्या करता है, प्रेरक संकेतों को शरीर के अन्य भागों में प्रभावित करता है, मतलब मोटर मूवमेंट करवाता है। जो प्रेरक संकेत, जो हमें प्रेरक मिलते हैं, जो संकेत मिलते हैं, उनको जो शरीर के दूसरों भागों तक पहुंचाता है। जैसे अब मेरे को ये मार्कर हमने पकड़ा हुआ है, इसको हम छोड़ दें तो ये क्या, मिड ब्रेन का पार्ट है, क्योंकि संकेत किसने दिया, मिड ब्रेन ने दिया, ये क्या है, प्रेरक का संकेत है। नेक्स्ट चीज क्या है, ऑडियो एंड वीडियो मैचिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऑडियो एंड वीडियो मैचिंग ब्रेन का कौन सा हिस्सा करता है, कौन सा पार्ट करता है। तो याद रखना मिड ब्रेन है, जो ऑडियो एंड वीडियो को मैचिंग करता है। ऑडियो एंड वीडियो मैचिंग का मतलब क्या, जैसे कि मैं अब वीडियो में बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं, दोनों आवाज, आवाज और जो लिपसिंग है वो साथ में आपको दिख रही है। तो याद रखना ये जो ऑडियो और वीडियो मैचिंग है ये कौन करता है, मिड ब्रेन करता है। यही पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ऑडियो एंड वीडियो मैचिंग ब्रेन का कौन सा भाग करता है, तो कौन सा भाग करता है, मिड ब्रेन करता है। यहाँ लिखा हुआ पार्टिकुलरली मूवमेंट ऑफ आईज एंड ऑडरी एंड विजुअली प्रोसेसिंग। जो आई हम देखते हैं, मतलब आंखों से हम देखते हैं, तो हमें देखता है कि जो आवाज आ रही है, जो लिपसिंग, और ये बिल्कुल सेम कंडीशन पे है, तो वही चीज क्या होती है, ऑडियो एंड वीडियो मैचिंग है। दोस्तों अब हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो इसका लास्ट भाग बचेगा हिंड ब्रेन, उसको कवर करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट पार्ट है हिंड ब्रेन, जो लास्ट पार्ट है ब्रेन का। इसमें फिर इसके बाद ब्रेन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम तीनों भागों को कंप्लीट कर चुके होंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क, जिसको हम बोलते हैं। इसके सबसे पहले तीन भाग होते हैं, कितने होते हैं, तीन भाग, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। पोन्स होता है सबसे पहला, फिर होता है सेरेब्रम, फिर होता है मेडुला ओब्लंगेटा। सेरेब्रम और सेरेब्रम में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सेरेब्रम अलग चीज है और सेरेब्रम अलग चीज है। तो याद रखना, तो ये तीन भाग हैं हिंड ब्रेन के, और यही भाग पूछा जाता है पोन्स निम्न में से किसका भाग होता है, या ब्रेन के कौन से हिस्से का भाग होता है। तो याद रखना किसका भाग होता है, हिंड ब्रेन यानी पश्चिम मस्तिष्क का, जो लास्ट वाला भाग मैंने बताया था, जो क्या करता है, ब्रेन स्टेम का निर्माण करता है। तो चलिए पोन्स का जो वर्किंग होती है वो क्या क्या होती है। सबसे पहले पोन्स होता क्या है, तो पोन्स क्या होता है, तंतुओं से मिलकर बना होता है, यह एक फाइबर ट्रैक का निर्माण करता है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट पूछा जाता है माइंड का कौन सा भाग तंतुओं से मिलकर बना होता है या फाइबर ट्रैक बनाता है। तो याद रखना पोन्स किससे मिलकर बना होता है, तंतु से मिलकर बना होता है, और क्या बनाता है, फाइबर ट्रैक का निर्माण करता है। और ये फाइबर ट्रैक
पूरे माइंड में होते हैं और ये फाइबर ट्रैक की संकेतों को इधर से उधर भेजने का काम करते हैं और ये मोटर मूवमेंट करवाने का भी काम करते हैं। इसका फंक्शन होता है दे एक्ट लाइक रिले सिग्नल। रिले सिग्नल का यहाँ मतलब क्या है तो आगे हमने लिखा हुआ है, ये एक संकेत का मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन मतलब दिशा निर्देश, जो डायरेक्शन है वो देता है एक संकेत को, एक जो सिग्नल है उसको कहां से कहां तक, फोर ब्रेन से लेकर सेरेब्रम तक। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रैक पूछा जाता है, फोर ब्रेन से सेरेब्रम तक सिग्नल्स को कौन देता है, तो कौन देता है, हिंड ब्रेन देता है, जिसका कौन सा भाग देता है, पोन्स देता है, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरी बात, जो हमारा मूत्राशय है यानी यूरिनरी ब्लैडर है उसको कंट्रोल करने का भी काम कौन करता है, हिंड ब्रेन करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि तीन बटे चार भाग जब भर जाता है तो तभी ये जो माइंड है बता देता है कि अब हमें जो टॉयलेट है जाना चाहिए। नेक्स्ट बात क्या है, जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं और जो फेशियल सेंसेशन होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन होता है जैसे हम दे एक्ट लाइक, हम जैसे एक्ट करते हैं, जैसे कि किसी ने कुछ बोल दिया तो हम क्या करते हैं, आंखें निकालते हैं, या फिर हमारे मुंह पर क्या हो जाता है, एकदम गुस्से वाला फेस हो जाता है। जो फेशियल एक्सप्रेशन है या फिर किसी ने कुछ अच्छा कह दिया तो हमारा चेहरा जो एकदम स्माइल आ जाती है, वो सारे एक्सप्रेशन कौन देता है, पोन्स देता है। कौन सा भाग, हिंड ब्रेन का जो पोन्स भाग है वो देता है। दूसरी बात क्या, सेंसेशन। सेंसेशन का यहाँ मतलब क्या, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा मुंह लाल हो जाता है, वो क्या होता है, एक सेंसेशन होती है। किसी ने थप्पड़ लगा दिया जब हमारा मुंह लाल हो गया तो वो क्या है, एक सेंसेशन होती है, तो वो सेंसेशन का भी काम कौन करता है, पोन्स करता है, जो किसका भाग है, हिंड ब्रेन का। अब इसके दो भाग बच गए, सेरेब्रम और मेडुला ओब्लॉन्गेटा, अब हम उसको कवर करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट टू पार्ट हैं हिंड ब्रेन के उनको कवर करेंगे, जिसमें सेकंड पार्ट क्या, सेरेब्रम। तो याद रखना जो फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है सेरेब्रम, वो माइंड का फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट है। ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, फोर ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट होता है सेरेब्रम, ये क्या, सेरेब्रम, याद रखना दोनों अलग अलग हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है वो ब्रेन, याद रखना लिखा हुआ है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट आए तो सेरेब्रम है तो, और लास्ट जो सेकंड आए तो क्या, सेरेब्रम, याद रखना दोनों में अलग अलग, कंफ्यूज मत होना। तो फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है, कंट्रोल ऑफ बॉडी पोस्चर, बॉडी का जो पोस्चर है, पोस्चर का मतलब क्या होता है, जैसे हम अब खड़े हैं या अब हम झुकेंगे, तो ये सारी चीज क्या, या अब हम घुटनों पे बैठेंगे या हम क्या इन हाथों को सीधा करेंगे या आगे करेंगे, ये सारे क्या बॉडी पोस्चर है। जैसे हम स्कूल में करते थे, हमें कई बार क्या करते थे, मुर्गा बना देते थे या हमारे हाथ ऊपर खड़े कर देते थे, उनका सब बैलेंसिंग जो बॉडी पोस्चर बनाने का काम करता है वो कौन करता है, हिंड ब्रेन का सेरेब्रम पार्ट। जैसे कि हम बच्चे को देखते हैं, बच्चा जब स्टार्टिंग में होता है वो खड़ा नहीं होता, याद रखना वो खड़ा नहीं होता, क्यों होता, क्योंकि उसका ये भाग तब तक वर्किंग में नहीं होता जो वो अपना बॉडी पोस्चर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो बार-बार गिर जाता है। नेक्स्ट चीज क्या है, मेंटेनेंस ऑफ मसल स्टोन। मसल स्टोन का मतलब क्या है, जो पेशियां होती है, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनका जो संकुचन होता है, जब वो सिकुड़ती है वो उनका काम कौन करता है, सेरेब्रम ही ये काम करता है। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेट वॉलंटरी मसल्स, हमारी इच्छा अनुसार पेशियों का चलना, जब हमारी पेशियां वर्किंग करती, जैसे हाथ का उठना, हाथ को सीधा करना, ये सब क्या है, वॉलंटरी रिएक्शन है, कोऑर्डिनेट करता है, कौन करता है, सेरेब्रम कोऑर्डिनेट करता है, जो किसके साथ, मसल्स के साथ, जो वॉलंटरी मसल है, वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार। नेक्स्ट चीज क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, बॉडी का संतुलन, अभी मैंने बताया था जैसे हम खड़े हैं खड़े रहते हैं, हम बैठते हैं बैठे रहते हैं, ये सब बैलेंसिंग का काम कौन करता है, सेरेब्रम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया बॉडी का पोस्चर कौन बनाता है, तो कौन बनाता है, सेरेब्रम बनाता, किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का ये हिस्सा है। नेक्स्ट पार्ट है मेडुला ओब्लॉन्गेटा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, मैं जो माइंड का सबसे लास्ट पार्ट कौन सा, तो कौन सा है, मेडुला ओब्लॉन्गेटा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, माइंड का कौन सा हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जू से जुड़ा होता है, तो वो कौन सा होता है, मेडुला ओब्लॉन्गेटा ही होता है। याद रखना लोअर पोर्शन सबसे निचला हिस्सा होता है, बैक साइड में होता है, यहाँ जो हमारी गर्दन है इस हिस्से में होता है, ये मेरु रज्जू या स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से माइंड का कौन सा भाग जुड़ा होता है, तो कौन सा भाग जुड़ा होता है, याद रखना कौन सा भाग जुड़ा होता है, मेडुला ओब्लॉन्गेटा। नेक्स्ट क्या, इसके फंक्शंस,
फंक्शन क्या है? हेल्प इन ए रेस्पिरेशन, सांस लेने में सहायता करता, याद रखना हेल्प इन ए रेस्पिरेशन। नेक्स्ट चीज क्या है? जो हृदय की मांसपेशियां हैं उनका जो संकुचन है या फिर वो कैसे वर्किंग करती हैं, वो सारी चीजें कौन करवाता है? मेडुला ओब्लंगेटा करवाता है। नेक्स्ट है जो गैस्ट्रिक जूस है जो हमारी बॉडी स्रावित करती है भोजन के डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में, वो सब काम कौन करता है? पाचक रसों का नियंत्रण स्राव करता है, कौन करता है? मेडुला ओब्लंगेटा। दोस्तों हमने इन वीडियो में ब्रेन को कंप्लीट किया है, ये वीडियो स्किप ना करें, एग्जाम के वजह से मोस्ट इंपोर्टेंट है, खासतौर पर जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा उसमें जो 50 में से 10 नंबर की साइंस आएगी, हम साइंस को बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।